नमस्कार दोस्तों, मेट्रो, कैंपाकोला, मनीष मल्होत्रा डिजाइन्स, हैमलीज, जिवामी, मिल्क बास्केट, डंजो, जानते हैं इन सब कंपनीज में कॉमन क्या है? इन सभी कंपनीज को या तो रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है या फिर एक साइजेबल स्टेक खरीदी है इनमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज हर सेक्टर में एक के बाद एक एक्विजिशंस करे जा रहा है। सिर्फ रिटेल सेक्टर की बात करें तो 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने एक्विजिशंस, ऑर्गेनिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करने में लगा दिए हैं। 30,000 करोड़, ये इतना बड़ा नंबर उन्होंने आज तक रिटेल सेक्टर में लगाया होगा, राइट? जी नहीं, ये अमाउंट तो सिर्फ उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही लगा दी थी। ये तो सिर्फ एक साल और एक सेक्टर की बात है। रिलायंस ने पिछले कुछ सालों में काफी सारे सेक्टर्स में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करी है। फाइनेंस में जियो फाइनेंशियल्स, ई फार्मेसी में नेटमेड्स, क्लोथिंग में आजियो, रिटेल में रिलायंस रिटेल, ऑनलाइन ग्रोसरीज में जियो मार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। टेलीकॉम से लेकर ई कॉमर्स तक रिलायंस लगभग हर सेक्टर में किसी ना किसी से वॉर पर है। मेरा नाम है करण बहल और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिलायंस की इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और उनके पीछे रीजन का। स्टार्ट करते हैं रिटेल सेक्टर से। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो 2021 की 1.5 ट्रिलियन डॉलर से 2030 में 16.65% की केगर से बढ़कर 6 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। और इस मैसिव ग्रोथ के पीछे ये कारण माना जा रहा है कि 2030 तक इंडिया में 14 करोड़ लोग मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स की कैटेगरी में ऐड होंगे, 2.1 करोड़ लोग हाई इनकम हाउसहोल्ड्स की कैटेगरी में ऐड होंगे, रूरल कंजम्पशन भी 4.3 टाइम्स बढ़ेगी और अर्बन कंजम्पशन 3.5 टाइम्स। और इन्हीं सब कारणों के चलते इंडिया की रिटेल मार्केट 2022 में जहां 950 बिलियन डॉलर्स पर वैल्यूड थी, वो 2032 तक लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है। इसी कंज्यूमरिज्म की वेव पर राइड करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज कई सारे नए इन हाउस ब्रांड्स बना रहा है और एक्विजिशंस भी कर रहा है। रिलायंस रिटेल ने दिसंबर 2022 तक एक्विजिशंस में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही 30,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 4 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे रिलायंस रिटेल में टू बिल्ड कैपेबिलिटीज थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अंबानी जी ने 2018 में कहा था कि आगे चल के रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंज्यूमर बिजनेस, एनर्जी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस की जितनी अर्निंग जनरेट कर सकता है। चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी ने रिटेल सेगमेंट में कौन सी कंपनीज एक्वायर करी हैं या किन में इन्वेस्ट करा है। सबसे पहली है मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिलायंस रिटेल ने सबसे बड़ी अमाउंट मेट्रो कैश एंड कैरी प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करने में लगाई। रिलायंस रिटेल ने टाटा ग्रुप, अमेजोन, स्विगी, उड़ान, डी मार्ट जैसे दिग्गजों को हराकर मेट्रो इंडिया को खरीदा। मेट्रो इंडिया जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी की इंडियन आर्म थी। मेट्रो एजी एक लीडिंग इंटरनेशनल होलसेल एंड फूड रिटेल आउटलेट ब्रांड है जिसके ऑपरेशंस 34 कंट्रीज में हैं। मेट्रो इंडिया हमारे देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉफिटेबल होलसेलर है। ये एक्विजिशन रिलायंस ने मई 2023 में 2,850 करोड़ रुपए देकर कंप्लीट करी थी। इस ट्रांजैक्शन में उन्हें 31 लार्ज होलसेल स्टोर्स मिले जो इंडिया के सभी रीजन्स में सिचुएटेड हैं। इसके साथ साथ मेट्रो इंडिया का पूरा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी मिला जिसमें 6 प्री ऑक्यूपाइड स्टोर्स प्रॉपर्टीज भी हैं। और इसके अलावा उनको एक ह्यूज लिस्ट ऑफ कस्टमर्स भी मिली जिसमें किराना स्टोर से लेकर होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफेज भी इंक्लूडेड हैं जिनमें होरेका क्लाइंट्स भी हैं। होरेका यानी होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेट्रो इंडिया एक होलसेल ब्रांड है जो सिर्फ रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर्स को केटर करता है। जैसे आपको बिग बाजार याद होगा जिसमें आपके मेरे जैसे रिटेल क्लाइंट्स भी एक्सेस कर सकते थे, मेट्रो बिग बाजार से अलग है। हम जैसे रिटेल कस्टमर्स मेट्रो के आउटलेट्स में शॉपिंग नहीं कर सकते। क्या रीजन हो सकता है इस एक्विजिशन का? द आंसर इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब कंपनी एक वैल्यू चेन में अपनी ऑपरेटिंग स्टेज से पहले वाली ऑपरेट करने वाली कंपनीज को एक्वायर करती है तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। रिलायंस रिटेल के खुद के 7,000 से भी ज्यादा टाउन्स में ओवर 18,000 स्टोर्स हैं जिससे वो आपके मेरे जैसे रिटेल कस्टमर्स को केटर करती है। क्योंकि होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में मेट्रो इंडिया इन्वॉल्व था
तो हो सकता है कि रिलायंस रिटेल ने वैल्यू चेन के एक और स्टेज को एक्वायर करने के लिए मेट्रो इंडिया की एक्विजिशन करी हो, ताकि जो वो रिलायंस रिटेल के लिए सामान खरीदते हैं वो उनको और भी सस्ता मिल जाए और इसके साथ उनको मेट्रो इंडिया के बाकी क्लाइंट्स का भी एक्सेस मिल रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, रिलायंस ने शुरुआत टेक्सटाइल बिजनेस से की थी, लेकिन आगे जाकर उन्होंने टेक्सटाइल वैल्यू चेन के कई स्टेजेस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी, लाइक पॉलीमर फाइबर्स, पेट्रोकेमिकल इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा। तो शायद इस एक्विजिशन से भी रिलायंस रिटेल एक और नींव रख रही है, जो पूरे रिटेल वैल्यू चेन को वैसे ही ओन करने की जैसे उन्होंने टेक्सटाइल वैल्यू चेन पे अपनी पकड़ बनाई थी। सेकंड, 7-11 स्टोर्स। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्विजिशन की ओर। माफ कीजिएगा, इस बार एक्विजिशन नहीं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करनी है। रिलायंस रिटेल ने अपनी सब्सिडरी के थ्रू यूएस हेडक्वार्टर्ड कंपनी 7-11 इनकॉर्पोरेशन के साथ एक मास्टर फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट किया है। 7-11 एक रिटेल चेन ऑफ स्टोर्स ऑपरेट करता है जिसमें आपको किराने का सामान मिलता है। इस अग्रीमेंट के तहत रिलायंस रिटेल इंडिया में 7-11 इनकॉर्पोरेशन के कन्वीनियंस स्टोर्स इंडिया में ऑपरेट करेंगे। 7-11 का सबसे पहला स्टोर मुंबई के अंधेरी ईस्ट में 2021 में खुला। रिलायंस रिटेल का टारगेट है कि आने वाले सालों में वो इंडिया के टॉप 100 सिटीज में 7-11 के स्टोर ओपन करेंगे। जैसे रिलायंस ने मेट्रो इंडिया का एक्विजिशन करके बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी थी, क्या आपको लगता है ये एक्विजिशन रिलायंस के रिटेल पार्ट ऑफ वैल्यू चेन को और स्ट्रेंथन करेगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस के एफएमसीजी के दो स्टेजेस में पकड़ बनाकर खुश है? ऐसा नहीं है। रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग में भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है थ्रू एक्विजिशन ऑफ एफएमसीजी ब्रांड्स लाइक कैंपा कोला। इसमें ब्रांड की भी इंटीग्रेशन हो रही है साथ साथ। जब भी घर पर मेहमान आते हैं तो आज भी मेरी दादी जी कहती हैं, बेटा जा मेहमानों के लिए जरा कैंपा ले आ। कैंपा कोला वही ब्रांड है जिसने 1970s और 1980s में इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट्स में धूम मचाई हुई थी। लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद से कोका कोला और पेप्सी के आने से इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट एक डुओपोली बन के रह गई थी। पर अब रिलायंस के एक्विजिशन के बाद कैंपा कोला वापस आ गया है कोका कोला और पेप्सी की डुओपोली को चैलेंज करने। पर सिर्फ कैंपा कोला ही एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो रिलायंस ने एक्वायर किया है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक ब्रांड है जिसको कंपनी ने एक्वायर किया है। कौन सा है ये ब्रांड, मालूम है आपको? कमेंट करके बताइए अगर पता है तो। अगर आपका आंसर सोस्यो था तो आप बिल्कुल सही हैं। सोस्यो के पास गुजरात की सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट का 29% मार्केट शेयर है और वो साल भर में पूरी दुनिया में 20 लाख क्रेट से भी ऊपर बेचती है। सोस्यो के प्रोडक्ट्स देश के 95,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स में बेचे जाते हैं। तो वैल्यू चेन के एक और स्टेज में घुसने के साथ साथ रिलायंस हमें नॉस्टैल्जिया भी दे रहा है। पर क्या रिलायंस सिर्फ एफएमसीजी ब्रांड्स पर रुकने वाला है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपका जवाब एकदम सही है। रिलायंस रिटेल ने नेचुरल्स में 49% स्टेक एक्वायर कर लिया है। ये वो नेचुरल्स नहीं है जिसकी हम लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं, बल्कि ये एक चेन्नई बेस्ड सैलून एंड स्पा आउटलेट चेन है जिसकी पूरे इंडिया में लगभग 700 आउटलेट्स हैं। इस एक्विजिशन से कंपनी को एक परमानेंट कस्टमर बेस मिलेगा जो उनके ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड्स टीरा के ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्यों भाई, टीरा में ऐसा क्या है? आपने नायका के ऑफलाइन स्टोर्स देखे हैं? ऐसे ही टीरा ने नायका और मिंत्रा जैसे ब्रांड्स को कम्पीट करने के लिए ना सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स खोलने चालू करे हैं, बल्कि इनकी अपनी एक मोबाइल ऐप भी है जिसपे 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स भी हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन नेचुरल स्पा एंड सैलॉन्स के साथ ये कैसी इंटीग्रेशन होगी? सिंपल है, जब आपने वो बिजनेस ही एक्वायर कर लिया जहां पर ये प्रोडक्ट्स खूब इस्तेमाल होते हैं, तो आ गई ना इंटीग्रेशन। फीमेल्स जाकर मेकअप करवाना चाहें या मेल्स हेयर जेल या फिर शैम्पू यूज करेंगे नेचुरल सैलॉन्स में, तो हो सकता है कि उन कस्टमर्स को टीरा के प्रोडक्ट्स दिखें। ऐसे में टीरा ना सिर्फ एक इंटरनल कस्टमर ढूंढ चुका है, बल्कि वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए सीधा टारगेट कस्टमर्स की नजरों में भी आ जाएगा। अब कहीं कोई बोल तो नहीं रहा, बट ये भी हो सकता है कि टीरा के प्रोडक्ट्स नेचुरल्स के स्टोर्स में ही बिकने लग जाएं। बिल्कुल पॉसिबल है कि कस्टमर सर्विस लेने के बाद टीरा के प्रोडक्ट्स अपनी होम यूजेज के लिए भी नेचुरल्स के स्टोर से ही खरीद लें। जिन्होंने ध्यान से नोटिस किया होगा तो यहां पर एक और वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड टीरा है और ऐसे प्रोडक्ट्स के एक यूजर नेचुरल स्पा एंड सैलॉन्स है जिसको उन्होंने खरीदा। खाने के प्रोडक्ट से लेकर उनकी दुकानों तक, बाल काटने वाले से डाइस तक, हमने अभी तक ये देखा कि रिलायंस किस तरीके से आपके जीवन के हर हिस्से में से एक प्रॉफिट का हिस्सा लेना चाहता है। अब बात करते हैं कपड़ों की। आपके कपड़ों में से किस तरीके से रिलायंस प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसका इरादा क्या है, इसकी बात करते हैं। वैल्यू चेन में अपनी पकड़ बनाने के लिए भी बिजनेस कई एक्विजिशंस करता है, लेकिन एक्विजिशंस करने के
और भी कई रीजंस हो सकते हैं। कंपटीशन को कड़ी टक्कर देने के लिए भी एक्विजिशंस करे जाते हैं और प्रोडक्ट्स रेंज को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी। और एक तीर से दो निशाने लग जाएं तो क्या ही बात है। माना यह जाता है कि रिलायंस ने आदित्य बिरला फैशंस एंड रिटेल लिमिटेड के सब्यसाची ब्रांड के एक्विजिशन को काउंटर करने के साथ साथ लार्जर लाइफस्टाइल कंजम्पशन पोर्टफोलियो में एंटर करने के लिए इस ब्रांड में 40% स्टेक की एक्विजिशन करी थी। जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं वो एक सेल्फ टॉट डिजाइनर का ब्रांड है जिसने पिछले 30 सालों के अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म्स के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करे हैं। नाम है डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जी की कंपनी MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें रिलायंस ने 40% स्टेक एक्वायर किया है। आज की डेट में MM स्टाइल्स के 4 फ्लैगशिप स्टोर्स हैं इंडिया में। ये माना जा रहा है कि इस एक्विजिशन से रिलायंस MM स्टाइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ ऑफलाइन बढ़ा पाएगा और बल्कि ऑफलाइन भी बढ़ा पाएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, MM स्टाइल्स मेजरली केटर्स टू दी अफ्लुएंट कैटेगरी, तो रिलायंस की स्ट्रैटेजी का ये पार्ट भी माना जा रहा है कि इंडिया के बाहर भी एफ्लुएंट कस्टमर कैटेगरी को मनीष मल्होत्रा ब्रांड के थ्रू एक्सपैंड किया जाएगा। रिलायंस ने यह भी कहा कि अब कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग पावर है वो वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड से ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में शिफ्ट हो रही है, और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने MM स्टाइल्स में इन्वेस्ट किया टू बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज। और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस ने आज 14 सालों तक इंडिया में ग्लोबल प्रीमियम और वेस्टर्न लग्जरी ब्रांड्स लाने की कोशिश की है। ये पहली बार था 2021 में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया टू फोकस ऑन होम ग्रोन डिजाइनर ब्रांड्स। MM स्टाइल्स के अलावा रिलायंस ने एक और लग्जरी ब्रांड में इन्वेस्ट किया है, विच इज ऋतु कुमार। रिलायंस के पोर्टफोलियो में 60 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं विच इंक्लूड लार्जली फॉरेन ब्रांड्स सच एज ब्रूक्स ब्रदर्स, बर्बरी, हैमलीज, ह्यूगो बॉस एंड हंके मॉलर। इसके बाद कंपनी ने कुछ स्टेक्स भी एक्वायर की हैं इन कंपनीज लाइक फ्यूचर 101 डिजाइन, क्लोविया, जिवामी, अमांटे एंड अब्राहम एंड ठाकुर। रिटेल क्लोथिंग का सेक्शन एंड करते करते एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। रिलायंस के पास कपड़े बेचने के लिए आपने देखा कि स्टोर्स भी हैं और ब्रांड्स भी, लेकिन टेक्सटाइल वैल्यू चेन में भी कंपनी की काफी अच्छी पकड़ है। कंपनी के ऑयल टू केमिकल सेगमेंट के प्रोसेस में ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जिनका यूज टेक्सटाइल बनाने में यूज होता है, और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं उन्हें यह तो पता ही होगा कि रिलायंस ने इनिशियली अपनी शुरुआत 1958 में एक छोटी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जैसे की थी। अब आपको इतना सब सुनकर यह लग रहा होगा पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक के बाद एक कंपनीज एक्वायर करते जाओ और हर सेगमेंट में लीड लेते जाओ, पर एक्विजिशंस करके उस कंपनी को आगे चलाना इतना आसान नहीं होता। कंपनी ने रिटेल सेगमेंट में ऐसी कई एक्विजिशंस या फिर इन्वेस्टमेंट्स करी जिनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, जैसे कि 2021 में रिलायंस की एक्वायर की गई मिल्क बास्केट ने अभी हाल ही में ऑपरेशंस बंद किए और यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि बचे कुचे स्टाफ का ले ऑफ होगा। पीछे यह भी न्यूज आई थी कि डंजो, जिसमें रिलायंस ने 25.8% स्टेक एक्वायर की थी, वो फंडिंग क्रंच के चक्कर में एम्प्लॉइज को महीनों पुरानी सैलरीज भी नहीं चुका पा रहा। एक्विजिशंस करना इतना आसान नहीं है, इसमें कई चैलेंजेस भी होते हैं। इतनी सारी कंपनीज के बिजनेसेस को समझना, उनमें माइनॉरिटी या फिर मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर करना, उनको अपने कल्चर से इंटीग्रेट करना और भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं। बट रिलायंस ने मनसा बना लिया है कि इंडियन हाउसहोल्ड जो भी गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं उन सभी एक्टिविटीज में पैसा कमाने का। क्लियर मैसेज है रिलायंस की तरफ से, रिटेल सेक्टर में मेट्रो ब्रांड्स को एक्वायर करना जो होलसेलर के जैसे ऑपरेट करती है, या फिर 7-11 के स्टोर्स खोलना जो कि हम जैसे रिटेल यूजर्स को केटर करती है, क्या दर्शाता है ये और बाकी कई एग्जांपल्स जिनको हमने डिस्कस किया। यही जो रिलायंस पहले से ही करता आया है कि पूरी वैल्यू चेन को एक्वायर करके उसे डोमिनेट करे। हमने ये वीडियो बनाते हुए सोचा था कि आपको सारी एक्विजिशंस के बारे में बताएंगे, बट अभी तो हमने सिर्फ कंपनी के रिटेल सेगमेंट की बात करी। अभी हमने फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड मीडिया एंटरटेनमेंट सेगमेंट्स की तो बात ही नहीं करी। अगर करने लग गए तो शायद 2 घंटे से भी ऊपर की वीडियो बन जाएगी। अभी रिलायंस के कई सारे वैल्यू चेन्स और एक्विजिशंस थे जिनकी बात करने का मन तो बहुत है, बट वो कभी और के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग और इनडेप्थ एनालिसिस के साथ वीडियो लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है और किसी भी तरीके की बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ग्रो के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.